दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने जिसे ट्रेड करूंगा वो आप लोग के साथ अपडेट करने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, अगर आपको वीडियो को स्किप करके देखना है बेटर ये होगा आप अभी वीडियो को क्लोज कर दीजिए। अगर आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो दोस्तों वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, बीच बीच में इसको फॉरवर्ड करके मत देखिए क्योंकि मैंने जो टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा नहीं तो आप उसको मिस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार जानते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसे हो रहा है और मैंने कब ट्रेड लिया था वो डिटेल्स पे जानेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये 13,086 लेवल के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, देखिए कंटिन्यूअसली मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। दोस्तों सुबह से मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे भी एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये दोनों ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट सुबह से ट्रेड कर रहा है, तो बेसिकली मुझे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के माध्यम से ये लेवल के आसपास एंट्री लेने के लिए सिग्नल मिला था। और मैंने आपको हमेशा बताया है ये जो स्ट्रैटेजी है ये काफी सेफ है और बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो दोस्तों ये लेवल के आसपास, मतलब आफ्टर 30 मिनट मार्केट ओपन होने के बाद ये लेवल के आसपास मुझे एंट्री लेने के लिए मौका मिला, तो ये लेवल के आसपास मैंने 13,150 का कॉल को राइट किया है। दोस्तों मैंने 3 लॉट राइट करके काम कर रहा हूँ। ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से 20-25% के आसपास हमारी महीना का टारगेट रहता है। दोस्तों ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए बेसिकली अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके काम करोगे तो दोस्तों जब भी ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है आप उसी टाइम मार्केट को सेल करके जाओगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब मार्केट ये लेवल के आसपास आ गया था, देखिए ये लेवल के आसपास जब आया था इस पर हमको एक डबल टॉप का लेवल फॉर्म होने के लिए दिख रहा था और इसी डबल टॉप लेवल के आसपास ये मार्केट पे गिरावट देखने के लिए मिला। दोस्तों जब स्टार्टिंग पे ये गिरावट देखने के लिए मिला होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन जब दोबारा मार्केट ये लेवल के आसपास आ जाता है और इसी लेवल से जब ये सेलिंग का पैटर्न देखने के लिए मिलता है तो आपको एक कन्फर्मेशन मिल गया। देखिए आपको दो हाई मिल गया, मतलब दो स्विंग हाई मिल गया एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, नहीं तो आप ये हाई को भी लेके भी काम कर सकते हो। तो आपको दो हाई बेसिकली मिल गया, ये दोनों हाई के हिसाब से आप सेलिंग करके जा सकते हो। तो देखिए सेलिंग करके जाने के लिए ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये दो पॉइंट हमको मिल गया तो मैंने ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और देखिए ये लेवल पे एक पॉइंट और ये लेवल के आसपास दो पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट के आसपास मैंने इसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया और मैंने ये लेवल के आसपास बेसिकली सेल करके जाऊंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ट्रेड करता है आप सेल करोगे और तब तक मार्केट पे वेट करोगे जब तक मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से नीचे ही ट्रेड कर रहा हो। इसलिए दोस्तों देखिए, अभी तक इसी ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है तो जब तक ये ट्रेंड लाइन को मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं आ जाता है तब तक हम इस पे बाइंग नहीं करेंगे या हमारी पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे। तो देखिए ये लेवल के आसपास हमारी सेलिंग आया और ये लेवल के हिसाब से अभी अगर आप ट्रेड लिए हो तो आपको अभी प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन दोस्तों सिचुएशन ऐसा है, अभी देखिए ये लेवल के आसपास छोटा सा सपोर्ट का लेवल भी बना है। देखिए ये लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद इस पे थोड़ा बहुत सपोर्ट का लेवल भी देखने के लिए मिल रहा है, तो जब तक ये लेवल मार्केट क्रॉस करके नीचे की तरफ नहीं आता है उतना बड़ा सेलिंग हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमको एक बार वेट करना है, ये लेवल अगर मार्केट क्रॉस करके नीचे आएगा उसके बाद हमारा जो सपोर्ट का लेवल आएगा तो ये लेवल के आसपास बेसिकली स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल आ रहा है। तो देखिए इसी लेवल के आसपास जब मार्केट आ जाएगा, अगर आप नॉर्मल ऑप्शन के ऊपर राइट करके काम कर रहे हो या अगर आप बेसिकली फ्यूचर के ऊपर सेल करके काम कर रहे हो तो आपको उसी लेवल के आसपास आपकी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर 13,050 लेवल को मार्केट डिसिसिवली हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ के नीचे की तरफ आता है तो फिर इस पर बड़ा मूव हमको देखने के लिए मिलेगा और जो हमको
लगभग 13,000 या 12,950 लेवल के आसपास हमको ये मूव दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार शेयर कर देता हूँ मैंने किसी लेवल के आसपास एंट्री लिया था। दोस्तों मेरी रूल के हिसाब से मैंने ये लेवल के आसपास 13,150 का कॉल को राइट किया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको तीन पोजीशन मेरा दिखेगा, दो नॉर्मल के ऊपर पोजीशन और एक MIS के ऊपर पोजीशन। दोस्तों ये जो दोनों नॉर्मल के ऊपर पोजीशन था, ये मैंने कॉल से STBT कॉल के हिसाब से लिया था। ये एक डिफरेंट कॉल है, मैंने इस पे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी कुछ भी यूज नहीं किया है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने ये 3 लॉट को राइट किया है, जो कि 13,150 का कॉल को मैंने राइट किया है और ये 60 रुपीज के आसपास मैंने राइट किया है। मैंने इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रिफ्रेश करने के बाद भी ये देखिए दोस्तों रिफ्रेश करने के बाद ये हमको दिख गया कि इसका जो प्राइस है ये अपडेट नहीं हुआ था, तो 46 लेवल के आसपास ये भी पहुंच चुका है। तो मैंने ये ट्रेड कब लिया था आपको ऑर्डर बुक भी शेयर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, ऑर्डर बुक के हिसाब से मैंने जो STBT का कॉल के हिसाब से जो दोनों को सेल करके गया था, मैंने एक एक लॉट सेल किया था। तो देखिए, कल मैंने सेल किया था, आज से भी आपको बाइंग का ऑर्डर दिखेगा क्योंकि आज मैंने बाय करके निकल गया। और मैंने 9:45 के आसपास, आपको पता है मैंने मार्केट आधा घंटे के बाद ही ट्रेड लेता हूं, तो 9:45 के आसपास मैंने 13,150 का कॉल को सेल किया था। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको ऑर्डर बुक भी दिखा रहा हूं और मैंने आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे भी अपडेट कर दिया था। देखिए, अगर आप कम्युनिटी टैब पे देखोगे, मैंने यहां पे आपको 9:45 के आसपास अपडेट किया था कि एज पर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ऑप्शन राइटिंग सैटिस्फाइड टूडे, सो एज पर रूल I sold 13,150 call at price 60.40 and I will update the result end of the day today through video। तो मैंने ये अपडेट ऑलरेडी कर दिया था। तो देखिए, मैंने उसी लेवल के आसपास 60.40 पे मैंने ये एंट्री लिया था। दोस्तों देखिए, हमारा जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने के लिए सिग्नल दे रहा है। तो अगर ये ट्रेंड एक बार 60-70 लेवल के आसपास जो सपोर्ट लेवल सुबह से बना हुआ है, अगर ये सपोर्ट लेवल क्रॉस करके मार्केट नीचे आ जाता है, तो फिर हमको और बड़ा प्रॉफिट आएगा। दोस्तों मैंने ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को प्रॉपर रूल के हिसाब से फॉलो कर रहा हूँ और देखिए, मैंने इसका रिजल्ट भी आप लोगों के साथ हर दिन शेयर करता हूँ। दोस्तों अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर पे ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया था और नवंबर मंथ पे भी ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया, 2,81,000 के आसपास रिटर्न दिया था। दोस्तों दिसंबर मंथ पे कल पहला ट्रेडिंग था और कल रूल के हिसाब से हमको एंट्री नहीं आया था। तो आज सेकेंड ट्रेडिंग डे है, तो सेकेंड ट्रेडिंग डे के हिसाब से ऑप्शन राइटिंग के लिए ये रूल सेटिस्फाई किया। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है और अभी अगर आप देखोगे 4,200 रुपीज के आसपास ये अभी प्रॉफिट दे रहा है। दोस्तों ये 4,700 जो दिख रहा है, मैंने STBT कॉल का जो लिया था वो 500 अराउंड प्रॉफिट आया था, तो उसी प्रॉफिट मिला के ये 4,600 दिख रहा है। लेकिन आज का मैंने जो ट्रेड लिया है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से 4,000 रुपीज के आसपास प्रॉफिट आ रहा है। दोस्तों मैंने ट्रेंड को फॉलो करके जा रहा हूँ, प्रॉपर रूल को फॉलो करके जा रहा हूँ। अगर आपको इंट्राडे पे ऐसे सिंपल वे पे ट्रेड करना है और बिना टेंशन पे एक रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करना है, तो दोस्तों आप ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को सीख सकते हो। देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी पे आपको महीना का महीना 20-25% आराम से रिटर्न आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप निफ्टी फ्यूचर की बात करोगे, देखिए निफ्टी फ्यूचर का मैंने एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये अभी 13,112 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अगर आप फ्यूचर का चार्ट को देखोगे, तो हमेशा वॉल्यूम को ऐड करके देखना। तो देखिए, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का चार्ट को ऐड करता हूँ। दोस्तों देखिए, अभी मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है और इसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसीलिए दोस्तों मेजर चांस है ये जो सपोर्ट का लेवल सुबह से बना हुआ है, ये सपोर्ट का लेवल अभी टूट जाना चाहिए। तो देखिए, अभी अगर मार्केट जाएगा तो मिनिमम मार्केट 13,087 लेवल के आसपास ये आ जाना चाहिए।
तो देखते हैं मार्केट का मूवमेंट कैसे हो रहा है, हम ही रूल को प्रॉपरली फॉलो करके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने ये वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम सुबह सुबह जो डिस्कशन कर रहे थे कि 13,100 लेवल के आसपास एक सपोर्ट का लेवल बन रहा है, और इसी लेवल को देखिए मार्केट आने के बाद इस पर थोड़ा बहुत बाइंग देखने के लिए मिला। और देखिए मैंने स्पॉट चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको बताया था कि कैसे हमको ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करके काम करेंगे कैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट होता है। तो देखिए फ्यूचर चार्ट के ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल देखोगे दोस्तों, देखिए जो अभी भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आया है, देखिए ये लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद सेलिंग देखने के लिए मिला, ये लेवल के आसपास मार्केट आने के बाद सेलिंग देखने के लिए मिला, और देखिए थर्ड टाइम फोर्थ टाइम के लिए ये लेवल के आसपास मार्केट आ चुका है। तो दोस्तों इसी लेवल से सेलिंग मिलने की मेजर चांस है। और मैंने आप लोगों को और एक चीज़ें भी बताया था, देखिए ये जो हाई क्रिएट हो रहा है, ये ऊपर हाई आ रहा था, उसके बाद इसके नीचे ये हाई आया, उसके बाद इसके नीचे ये हाई आ रहा है। दोस्तों इसका हाई कंटिन्यूसली नीचे नीचे जा रहा है, और ये सपोर्ट का लेवल एक ही लेवल के आसपास आ रहा है, मतलब सेम लेवल पे सपोर्ट आ रहा है लेकिन इसका हाई नीचे जा रहा है। तो ये सिनेरियो को, ये जो सेटअप बन रहा है, ये सेटअप को देख के हमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसी लेवल से मार्केट का ट्रेंड काफ़ी तेजी से नीचे की तरफ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर मार्केट इसी लेवल से नीचे जाता है तो मेजर चांस है ये लेवल को ये ब्रेक कर लेगा, लेकिन अगर इसी टाइम ये ब्रेक नहीं कर पाता है तो और थोड़ा सा इस पर बाइंग आएगा और फोर्थ टाइम के लिए ये लेवल को ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हम ये मूवमेंट के लिए वेट करेंगे, लेकिन मेजर चांस है ये लेवल से ये ब्रेक करके ये जो 13,087 का लेवल है ये लेवल के आसपास पहुंच जाएगा, नहीं तो और एक अटेम्प्ट पे ये लेवल को ये ब्रेक करेगा, लेकिन मेजर चांस है मार्केट डाउनफॉल ही दिखाएगा। तो देखिए मेरा पोजीशन भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी नेट नेट अगर देखोगे 4,500 लेवल के आसपास ये प्रॉफिट चल रहा है। मैंने एक बार स्क्रीन रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए रिफ्रेश करने के बाद भी आपको ये सेम पोजीशन दिखेगा। दोस्तों मैंने अभी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, जो भी मार्केट पे अपडेट आएगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों देखिए मार्केट 12,990 लेवल के आसपास आने के बाद इसी लेवल से ये बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ चला गया है, और कुछ मिनट के अंदर ये देखिए लगभग 100 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर की तरफ आ चुका है। दोस्तों ये लेवल के आसपास मुझे 10,000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट आ रहा था, मैंने सोच रहा था 13,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है, ये प्रॉफिट को बुक कर लो, लेकिन देखिए मैंने रूल को फॉलो करके जा रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों ये लेवल के आसपास मैंने प्रॉफिट को बुक नहीं किया, क्योंकि मैंने आज अगर ये लेवल के आसपास रूल को तोड़ के प्रॉफिट बुक कर लेता तो फिर मैंने कभी नहीं बता पाता कि रूल को फॉलो करके ट्रेड कर लो, इसलिए दोस्तों मैंने रूल को फॉलो करके ट्रेड कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, भले ही ये प्रॉफिट कम हो गया है लेकिन दोस्तों नेट नेट में प्रॉफिट पे ही रहूँगा। अभी जो टाइमिंग चल रहा है 2:50 के आसपास अभी टाइमिंग चल रहा है, और देखिए दोस्तों ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट एक टाइम पे 10,000 के आसपास आया था, और ये जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम लगभग 16 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। दोस्तों ये प्रॉफिट कम होके अभी 3,400 लेवल के आसपास चल रहा है, लेकिन देखिए दोस्तों हमको हमेशा रूल को फॉलो करके जाना चाहिए। देखिए रूल को तोड़ के कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। देखिए भले ही ये प्रॉफिट मेरा लॉस पे कन्वर्ट हो जाए लेकिन मैंने रूल को फॉलो करके जाऊंगा, और मैंने आपको रूल को फॉलो करके इसका रिजल्ट भी हर दिन शेयर कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कंटिन्यूसली 4 महीना से मैंने इसका रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, और कल रूल के हिसाब से इस पर एंट्री नहीं आया था और आज एंट्री आया है, तो मेजर चांस रहेगा ये हमको प्रॉफिट ही देगा। तो देखते हैं हम रूल को फॉलो करके जाएंगे हमको कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, मैं आप लोगों के साथ अपडेट करूंगा। और 30 मिनट का मार्केट बचा है, मतलब अभी मार्केट लगभग 2:50 के आसपास हो चुका है, तो देखते हैं हम मार्केट को फॉलो करके जाएंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों अभी टाइमिंग अराउंड 3:15 हो गया है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट ये पूरा शार्प रिकवरी दिया, लेकिन रूल के हिसाब से मुझे ये लेवल के आसपास निकलना पड़ेगा,
तो देखिए मेरा 10,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन देखिए रूल के हिसाब से मैंने ये ट्रेड को फॉलो किया और देखिए फिर भी मार्केट इतना ऊपर आने के बाद जहाँ पे मार्केट शुरू हुआ था लगभग मार्केट उसी लेवल के आसपास है। फिर भी देखिए दोस्तों यहाँ पे मुझे 3,700 रुपीस के आसपास मुझे प्रॉफिट आया। मैंने 3 लॉट पे काम कर रहा था तो 3 लॉट के हिसाब से अराउंड 1,200 रुपीस के आसपास मुझे ईच लॉट प्रॉफिट मिला। दोस्तों इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अगर आप रूल को फॉलो करके जाओगे, सिचुएशन कैसा भी हो, नेट नेट अगर आप देखोगे, आपको खुद को सेटिस्फाई लगेगा कि नहीं मैंने प्रॉपर रूल को फॉलो किया और नेट नेट आपको एक डिसेंट प्रॉफिट भी मिलेगा। देखिए दोस्तों मैंने अगर ये लेवल के आसपास सोच रहा था प्रॉफिट बुक कर लूँ, 10,000 रुपीज अगर मैंने ये लेवल के आसपास बुक कर लेता, भले ही मेरा ये प्रॉफिट ये लेवल के आसपास कम हो गया है, लेकिन दोस्तों मुझे अभी खुद को सेटिस्फाई लग रहा है कि मैंने ये रूल को प्रॉपरली फॉलो किया, मैंने मेरी इमोशन को कंट्रोल कर पाया। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग पे सबसे जो मेजर थिंग है विन करने का, वो आपकी खुद का इमोशन है। तो मैंने मेरी खुद की इमोशन को ये लेवल के आसपास कंट्रोल कर पाया और देखिए दोस्तों मार्केट ही इतना रिकवर होने के बाद भी दोस्तों देखिए मुझे 3,700 रुपीज के आसपास प्रॉफिट मिला। तो चलिए दोस्तों मैंने बेसिकली हर दिन एक एसटीवीटी कॉल लेता हूँ, तो देखिए आज मेरा जो भी ट्रेड हुआ है मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड एक्स्ट्रा लिया, राइट। तो ये जो भी ब्रोकरेज लगेगा, जो भी 60 रुपीज या 100 रुपीज 150 रुपीज जो भी ब्रोकरेज आएगा, वो ब्रोकरेज को निकालने के लिए मैंने एक एसटीबीटी कॉल ले रहा हूँ। मैंने खुद का एक फॉर्मूला बनाया है, मैं एक बार वो फॉर्मूला को अप्लाई कर लेता हूँ, उसके हिसाब से मैंने डिसाइड करता हूँ किसी किसी स्ट्राइक प्राइस को सेल करके मैंने मेरी ट्रेड लूंगा। तो मैं एक बार फॉर्मूला को कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे मेरी पोजीशन बनाया है। तो देखिए दोस्तों मेरा रूल के हिसाब से मुझे 2 लॉट मिला है 13,300 का कॉल को और 12,950 का पुट को मैंने राइट करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने एक एक लॉट राइट कर रहा हूँ, तो मैंने 12,950 का पुट को राइट किया, उसके बाद 13,300 का जो ये पुट है जो कॉल है मैंने ये कॉल को राइट किया। तो देखिए दोस्तों मेरा जितना भी यहाँ पे प्रीमियम गया है, तो जितना भी ब्रोकरेज मुझे लगा है, ये सारे ब्रोकरेज ये कल सुबह ये दोनों जो कॉल मैंने राइट करके जा रहा हूँ ये दोनों कॉल पे मुझे मिल जाएगा। मुझे अगर 250 रुपीज के आसपास भी मिलता है तो मेरा ब्रोकरेज सारे आ जाएगा और इसका खुद का ब्रोकरेज भी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आज हमारा लाइव ट्रेड और आज का ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करके 3,731.25 रुपीज के आसपास हमको प्रॉफिट मिला। ये एक्चुअल ट्रेड था या मैंने कुछ एडिट किया है, चलिए एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम रिजल्ट आप लोगों को दिख रहा है, मैंने और एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम रिजल्ट दिख रहा है।